सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज शहीदां दी धरती श्री चमकौर साहब विखे गुरु साहब का मन बख्शिया दर्शन करन लई श्री चमकौर साहब विखे चार गुरद्वारा साहब इतिहासिक गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब, कच्ची गली साहिब, गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब ते गुरद्वारा श्री धाड़ी साहिब। संगत जी, इन्हां दे विचों गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब का ब्लॉग है जिहड़ा उह ऑलरेडी पाया है ते उहदा लिंक है जिहड़ा तुहानूं अज दे ब्लॉग दे डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। तीन गुरद्वारा साहिब जिहड़े रह गए आ उहनां दे दर्शन करदे आ जी अज। सो आओ वधदे आ जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब। मेन गेट गुरद्वारा साहब का दमदमा साहिब गुरु साहिब दसवें पातशाही। हाँ जी संगत जी, जिवें तुसीं पिछे देखिया जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहब पहुँच चुके हैं जी। शहीदां दी धरती श्री चमकौर साहब गुरद्वारा साहब की एंट्री के नाल बिल्कुल राइट हैंड साइड बहुत ही वधिया जिहड़ा पार्क बनिया जी। ये इमारत है जिहड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन शैड की तरह खुला जिहड़ा बरांडा बन रहा जी। तो सामने करो जी दर्शन गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब श्री चमकौर साहिब। अगे वधदे जी दरबार साहब के दर्शन करदे जी। उस तो पहला इतिहास से एक नज़र मारते हुए इतिहास गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब श्री चमकौर साहिब जिला रोपड़ जां आपां रूपनगर भी कह सकते हैं जी। सो संगत जी, इहनूं जरूर पढ़ो जी इतिहास नूं सारे। वाहिगुरू जी वाहिगुरू। लिखिया भी होया कि इस जिहड़ा स्थान ते गुरु गोबिंद सिंह जी ते वड्डे साहिबजादे ते चमकौर दी गली दे समूह शहीदां दी याद विच हर साल जिहड़ा जोड़ मेला लगता है। तो इस तो बिना गुरु साहिब जिहड़ा अपने सिंघां दे समेत उस टाइम ते उन्होंने जिहड़ा डेरा कीता ते भाई साहिब दी लिखत वो सब चीज़ां जिहड़ियां जरूर बरीकी दे विच पढ़ियां जाण, इसलिए मैं कुछ सैकेंड दे लई रोक के इत्थे तुहानूं दिखा रहा। आओ संगत जी दर्शन करदे आ जी दरबार साहिब दे जी। संगत जी निशान साहब जी करो दर्शन। तो बिल्कुल नाल जी जिहड़ा पुराना खूह है कवर कीता है तो बनिया देखो निशान साहब दे नाल ही बिल्कुल। सो वो स्थान जिथे गुरु साहब ने आके 40 सिंघां दे समेत दम लिया, इस करके स्थान का नाम दमदमा साहिब। तो अंदर भी जो असं आने देखो बहुत ही इतिहासक जिहड़ी बहुत सोहनी तस्वीर के नाल उन्होंने दस्सिया कि जो आनंदपुर साहब का किला छड़ के रोपड़ तो बूर माजरा होंदे हुए चमकौर की जिहड़ी गढ़ी के मालक कोल फिर कहिंदे आ कि सानू जिहड़ी गढ़ी है वह गुरु जी नूं रहण लई दित्ती जावे, फिर वह कुछ मोहरां लैके तैयार हो जाता, कुछ हिस्सा दे दिंदा चमकौर की गढ़ी का। लेकिन पहला गुरु साहब इस स्थान पर आ के दम लेंदे ने, रुकते ने 40 सिंघां दे समेत पंज की सी उहो। सो इस करके इस स्थान का नाम पिया जी दमदमा साहिब। ये दरबार साहब की एंट्री तो पहला बोर्ड लग्या है जी। आओ हुण अंदर दरबार साहब के दर्शन करते हैं जी। संगत जी करो जी दर्शन। अज का हुक्मनामा अज का मुख भाग कई बार ना शीशे की बणतर करके घट क्लीयर नज़र आता है, सो रोक के पढ़ो जी। वाहेगुरू जी आओ दरबार साहब वाल चलिए जी। हाँ जी संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब श्री चमकौर साहिब जिला रूपनगर और रोपड़ पंजाब। वो स्थान जिथे गुरु साहब ने दसवें पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिंघां समेत आ के दम लिया, रुके पालकी साहब मार्बल दे नाल लैस सुशोभित है संगत जी, बहुत ही वधिया फुल बूटियां दी सजावट। वाहिगुरू जी करो जी दर्शन। गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब चमकौर साहिब। संगत जी दरबार साहब के अंदर ही जो गुरु साहब दियाँ निशानियाँ गुरु साहब के हुक्म तस्वीर बहुत वधिया। संगत जी दर्शन कर रहे हो जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब।
पालकी साहब गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित इतिहासक गुरद्वारा श्री चमकौर साहब दे विच वाहिगुरु जी गुरु साहब दे नदेड़ साहब विखे कीते 52 बचन वाहिगुरु जी उस समय का जिहड़ा सीन है वह चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है जी जदों गुरु साहब आनंदपुर साहब का किला छड़ के ते अपने सिंघां दे समेत चमकौर साहब विखे पहुँचे इस स्थान पर दम लिया गुरु साहब अपने बाज दे नाल देखो नज़र आ रहे हैं वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी। सो ये है जी दरबार साहब श्री दमदमा साहिब सो संगत जी ये दरबार साहब की बिल्डिंग जी तो दरबार साहब के बिल्कुल नाल ही जिहड़ा सरोवर साहब बनया है जी संगत आउंदी है इशनान कर सकते हैं जी पंज इशनाना कर सकते हैं जी जिद्दां अपनी इच्छा जी। वाहिगुरू जी बहुत बड़ा खुला डुला गुरद्वारा साहब बनया काफ़ी जिहड़ा शांति वाला स्थान है जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब चमकौर साहिब विखे तुसीं दर्शन कर रहे हो जी। वाहिगुरू जी संगत जी ये दर्शन किए जी गुरद्वारा श्री दमदमा साहिब श्री चमकौर साहिब शहीदी स्थान बड़े साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज हुण श्री चमकौर साहब दे विच ही अगले गुरद्वारा साहब वल वधदे हां जी। हाँ जी संगत जी देखो बाजार दे विच दी घूम के ते ये चमकौर साहब के अंदर आ गए सी ते ऐ रास्ता जांदा जी गुरद्वारा श्री गढ़ी साहब नूं ओह देखो सामने गेट नज़र आ रहा है पुराना जिहड़ा थोड़ी जी बिल्डिंग दी लुक नज़र आ रही है देखण नूं बहुत वधिया ऊंचाई ते भी है जी थोड़ा जिहा काफ़ी हुण जिद्दां ना चढ़ाई टाइप जिहड़ा रस्ता मैं वह चढ़ के जा रहा इस टाइम तो यह आ गया जी गुरद्वारा श्री गढ़ी साहब जिवें दमदमा साहब के पढ़िया असी इतिहास के उत्थे लगे कि गुरु साहब नूं दूजी बार जिहड़ा पुछण ते उन्होंने फिर कुछ मोहरां लै के राजपूत ने गढ़ी देती सी ते इत्थे आ गया जी गुरद्वारा गढ़ी साहब देखो इधर बिल्डिंग है जी एक गुरद्वारा साहब इधर है दोनों किदा किमें इतिहास बारे जानते हैं आ जाओ जी। हाँ जी संगत जी आ देखो सारी इमारत नूं सांभिया गया जी इतिहासक जिहड़ा हैगा वो रूप दे के ठीक है जी ये गेट बनया होया ते ए लग्या जी टूरिस्ट वाला जिहड़ा बोर्ड गुरद्वारा गढ़ी साहिब आ जाओ अगे वधदे हां जी। इतिहासक एक फोटो जिहड़ी लगाई गई है संगत जी कच्ची हवेली गढ़ी च गुरु गोबिंद सिंह जी दुश्मनों नूं तीर दे नाल मौत दे घाट उतारदे होए सीने चो गुरां ने मारे तीर बिन के गैरवा हजारां दे कले जे बिनते देश दी अणख उत्ते जिंद वार दे सूरमे मैदान चो कदे ना हारदे। वाहिगुरू जी आ जाओ अगे वधदे हां जी। हाँ जी संगत जी इस टाइम मैं पहुँच चुके हैं जी गुरद्वारा श्री गढ़ी साहिब कच्ची गढ़ी साहिब श्री चमकौर साहिब जदों गुरु साहब आनंदपुर साहब तो आउंदे आ जी दमदमा साहब जाके आए हैं गुरद्वारा साहब उत्थे दम लेंदे ने उत्थे रुकदे ने फिर जिहड़े गढ़ी साहब के मालक सीगे उन्हां दे नाल राबता कायम करदे ने ते गढ़ी लै लैंदे ने तो जिहड़े मालक सी राजपूत वह गढ़ी छड्ड के चले जाते हैं गुरु साहब बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह अते बाबा जुझार सिंह अते पंज प्यारे ते गुरु साहब आप खुद उन्हां दे नाल बाकी जिहड़े गुरु साहब दे सिंह गढ़ी दे विच जिहड़ा रुक जाते हैं रहन लग जाते हैं इत्थे ही मुगलों वल्लों रात नूं घेरा पा के गढ़ी दे उपर जिहड़ा हमला है वह कर दिता जाता है तो जिदे बड़े साहबजादे गुरु साहब के शहीद हो जाते हैं तो बाद दे विच कुछ सिंह गुरु साहब नूं कहिंदे ने कि तुसीं गढ़ी छड्ड के चले जाओ तो फिर गुरु साहब जिहड़े मछवाड़ा साहब के जंगलों वल जिहड़े अपने सिंघां दी गल नूं मन के जंगलों वल मछवाड़ा साहब वल जिहड़े वध जाते हैं। सो ये गुरद्वारा साहब का इतिहास जाणांगे मैं तुहानूं संखेप दे विच दस्सिया बाकी इतिहास का बोर्ड दिखाने तो नाल दरबार साहब के दर्शन करते हैं तुसीं पिछे देख सकते हो जी संगत जी गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब वाहिगुरू जी सतनाम आ जाओ अगे वधदे हां जी। हाँ जी संगत जी ये लग्या जी बोर्ड संखेप दे विच मैं तुहानूं थोड़ा दस्सिया सी बाकी तुसीं इत्थों इतिहास है जिहड़ा सारा पढ़ सकते हो उपर लाइन देखो बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुद के लिए वाहिगुरू जी बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह इत्थे शहीद हो गए सी पंज प्यारियां दे विचों तीन प्यारे भी शहीद हो गए सी होर बड़े सिंह शहीद होए जी अज उस शहीदी स्थान का इतिहास पढ़ रहे हो तुसीं ते तुहानूं मैं बाहर तो दिखाउणा देखो कितना वधिया जिहड़ा इतिहासक उस इतिहासक लुक नूं सांभण दे लई इतिहासक चीज़ां नूं सांभण दे लई जिहड़ा गेट बनाया गया तो उन्होंने जिहड़ी चार दीवारी इतिहासक रूप दे विच कीती है दरबार साहब वल वधदे हां जी। वाहिगुरू जी आ जाओ संगत जी।
हाँ जी संगत जी देखो मेन गेट बिल्कुल इतिहासिक जिहड़ी लुक है उस तरीके दे नाल बनाया गया जी। बहुत ही वधिया जिद्दां पुरानी गढ़ी किले हुंदे सीगे है ना वह चीज़ दिखाई गई है जी। तो इधर नाल ही जिहड़ी गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब नूं पुरातन दिख देण लई कार सेवा जिहड़ी चल रही है तो मॉडल है जिहड़ा मैं तुहानूं सारा दिखाउणा देखो बड़ा साफ जिहड़ा दिख रहा तुहानूं उही जिहड़ी लुक देण दी कोशिश कर रहा है। इतिहास नूं सिखां वल्लों बहुत ही ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल सांभिया गया जी। वो सामने कहिंदे गुरद्वारा साहिब होगा कच्ची गढ़ी साहिब तो यह देखो बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह जिहड़ा गेट बनेगा उन्हां दा ठीक है जी। इदां दे मतलब जिहड़े मॉडल नूं सांभण दी कोशिश है जी कुछ बन भी गया काफ़ी हद तक बन रहा जी। लैफ्ट हैंड साइड निशान साहब झूल दे निशान सदा पंथ महाराज के देखो वाहिगुरू जी। ये दरबार साहब आ गया जी मेन ठीक है। ये चार दुआरी देखो बड़ी वधिया जिहड़ी उन्हूं उही लुक देण दी जिहड़ी कोशिश की गई है जी। आ जाओ जी अज दा मुख भाग देखिए पढ़िए समझिए गुरु साहब की कृपा होवे सारिआं ते ते फिर दरबार साहब के दर्शन करिए जी। संगत जी आ गया जी अज दा मुख भाग अज दा फरमान कह लो मुख भाग कह लो जुग जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जी का वाहिगुरू जी। सारे पढ़ो जी समझो वाहिगुरू जी दरबार साहब करो जी दर्शन श्री दरबार साहब जी। हाँ जी संगत जी दर्शन कर रहे हो जी दरबार साहब गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब गढ़ी साहब कह देंदे ने लेकिन असल नाम है जिहड़ा हैगा जी गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब। सो बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी शानदार पालकी बहुत खुला डुला बड़ा जिहड़ा दरबार साहब बनिया जी गुरु साहब के शहीदी के दिनों दे विच दरबार साहब जिथे कह देंदे ना कि पैर धरन नूं भी जगह नहीं हुंदी वाहिगुरू जी। सो इतिहासक स्थान गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब दर्शन कर रहे हो संगत जी सारे पासियां तो जिहड़ा दरबार साहब नूं बिल्कुल चंगी तरह दर्शन करांगे देखांगे जी। भागां वाले हो जिहड़े दर्शन कर रहे ने गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब संगत जी हर ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਗਾੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਬਸੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ
बाहर तो बहुत वधिया नज़र आ रहा। फिर एक बार तुहानू व्यू दिखा रहे हैं जी, गुरद्वारा कच्ची कड़ी साहिब पातशाही दसवीं महाराज। सो बाहर जिहड़ा खुले दे विच बैठ के संगत लंगर छक दी हुई है, बहुत ही खुला डुला स्थान है जी। पार्किंग लई वाशरूम तुहानू उधर जाते हुए दिखाना मैं बाहर साइड भी आ जाओ संगत। हाँ जी संगत जी, दर्शन कर रहे हो जी गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब। सामने देख रहे हो दरबार साहब, इधरों लंगर छक के आए हैं जी। खुली पार्किंग संगतों के लिए, गड्डियां पार्क करने के लिए, ठीक है जी। संगत जी एक नाल ही बिल्कुल बाबा जीवन सिंह जी, सिख इतिहास के एक जड़े है शहीद, उन्होंने गुरद्वारा साहब छोटा जहा बनया बहुत ही वधिया। तो उन्होंने बोर्ड भी लगाया भी चमकौर साहब की पुरातन इतिहासक खूही साहब दरबार साहब के अंदर मौजूद है। ये खूही साहब मशहूद मौजूद है जी। बाबा जीवन सिंह जी का इतिहासक गुरद्वारा साहब बनाया इतने, तो ये नाल ही बिल्कुल ये आ गया जी गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब श्री चमकौर साहिब। चलो संगत जी अगे वध दें जी। ये सारी पार्किंग, इधर वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी, बहुत ही वधिया शानदार सिख इतिहासक अस्थान गुरद्वारा श्री कच्ची गढ़ी साहिब। आओ संगत जी अगे वधिए जी। हाँ जी संगत जी, ये है जी हैरीटेज स्ट्रीट, जिदा दरबार साहब बनी हुई है अमृतसर साहब, उदा ही सिर्फ चमकौर साहब के सेम। तो ये तो देखो इतों इधर जाना है असी हूँ गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब वाल पातशाही दसवीं, यह बोर्ड लग्या जी। तो जे इनू सीधा चले जाने बिल्कुल अगे सामने का गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहब। आ जाओ अगे वधदे हां जी। हाँ जी संगत जी, इस टाइम मैं पहुँच गया जी गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब। ताड़ी साहब का इतिहास, तो पिछे तुसी इमारत देख रहे हो मेरे, यह नवा जिहड़ा दरबार साहब आ गुरु साहब का, यह तैयार हो रहा जी। बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई थी है। सो जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है उत्थे दर्शन करते हैं जी। आ जाओ जी दर्शन करिए गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब। हाँ जी संगत जी, ये नवे दरबार साहब की सेवा चल रही है जी। देखो बड़ी इमारत है जी, वो तैयार हो रही है बहुत ही वधिया। तो हुण इतिहास का जिहड़ा बोर्ड है उधर नूं वधदे हां जी। ये लग्या जी गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब, इतिहासक जिहड़ा बोर्ड, सारा इतिहास लिखा जी। ये किदां जिहड़े गुरु साहब ने चमकौर की जिहड़ी जंग सारी लड़ी, आनंदपुर साहब तो शुरू होके फिर चमकौर साहब आ गए, तो इत्थे जंग हुई मुगलों का जिहड़ा कहर का समा सी उस टाइम ते। तो ये गुरु साहब की चमकौर की गढ़ी विच लड़ी गई जंग के दौरान का जिहड़ा सब तो आखिरी स्थान है, जिथे ताड़ी मार के गुरु साहब अगे वध गए, गुरद्वारा श्री जंड साहब वल नूं चले गए, मछवाड़ा साहब वालों चले गए। वो ब्लॉग भी तुहानू जल्दी देखने मिलेंगे। सो गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब पातशाही दसवीं चमकौर साहब, गया हिंदू पीर कह ताड़ी बजाई। इस तो बिना होर भी कई वाक है जिहड़े गुरबाणी के वो इतिहास के लिखे हुए हैं बोर्ड के, जरूर पढ़ो जी सारा इतिहास पढ़ो। आओ हुण दरबार साहब के दर्शन करते हैं जी। दर्शन करो जी श्री निशान साहब। इमारत संगत जी देखो जी, बहुत ज़्यादा पुरंत इमारत है जी संभाली है वाहेगुरु सच्चे पातशाह जी, वाहेगुरु जी। बहुत ही जड़ा छोटे जे इमारत दे विच, बहुत ही पुरंतन इमारत दे विच संगत जी अज दा हुक्मनामा जी गुरद्वारा ताड़ी साहिब, वाहेगुरु जी। संगत जी बहुत वधिया, मतलब काफ़ी टाइम पहला जिहड़ियां इदां दियां इमारतां सी देखण नूं मिलदियां सी। ये सामने गुरु साहब की हथ लिखत पई है जी, तो ये गुरु साहब दियां बाकी तस्वीरां सांभियां गईयां ने जी। बहुत पुरानी जिहड़ी बिल्डिंग दे विच सांभिया, देखो दरवाजे भी देख सकते हो तुसीं। ये सामने जिहड़ी फोटो दे तरीके नाल नज़र आ रही है ग्रंथ साहब दी, नाल बिल्कुल गुरु साहब दी हथ लिखत है जी। दरबार साहिब है ये नाल ही बिल्कुल एक बोर्ड रखे इन्होंने कि नवे दरबार साहब के सोने की नकाशी की सेवा ली, ठीक है जी, विधि चंद जी वालों, तो समाप्ति दे लई गुरु साहब के नगाड़े सांभे है। देखो देखो कितनी है ना पुरातन, बहुत वधिया लग रहा जी, बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आ रही है जी। कार सेवा चल रही है जी, कार सेवा वालों का भी सिख धर्म के बहुत वड्डा धन्नवाद है जी, जिहड़े वो गुरद्वारा साहब न बहुत पुरानियां इमारतों तो अजकल दी आधुनिक इमारतों के बदल रहे ने जी, वाहेगुरु जी। हाँ जी संगत जी, ये आ गया जी गुरु का लंगर का स्थान जी। जोड़े जराबा उतार के अंदर जाओ वाहेगुरु जी। गुरु का लंगर गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब, इधर सारा जिहड़ा वो लंगर का प्रबंध किया गया जी।
संगत इधर छक सकती है, लंगर बाहर ही छका रहे ने। तो ये इतिहास के लिखे हुए है जी इस पिपल बारे कि उत्थे दरख्त सीगा वड्डा पिपल का, गुरु साहब पहुँचे से जिथे। तो ये वो असली पिपल नहीं है, वह मुगलों ने वढ़ता सीगा, लेकिन फिर भी निशानी के वजह रखा गया। बहुत ही खुला डुला स्थान है संगत जी, ठीक है। सारा गुरद्वारा साहब तो कार सेवा जी चल रही है, इस करके जिहड़ा वड्डा दरबार साहब भी तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल पुराने जिहड़ी इमारत है दरबार साहब जी, उहदे विच ही सारा तैयार किया गया। सो ये सीगा जी अज दा साडा जिहड़ा गुरद्वारा श्री ताड़ी साहब। होर भी जिहड़े गुरद्वारा साहब ने, ठीक है जी, ये बोर्ड तुहानू पहलां ऑलरेडी दिखाता है जी। आओ हुण चमकौर साहब का ब्लॉग समाप्ति का जिहड़ा समा आ गया जी। सो संगत जी जरूर देखना जी, वध तों वध शेयर करना, सबसक्राइब करना आने वाले ब्लॉग के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।